Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest Bollywood news. मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पहला सीज़न था ऑल अबाउट सेक्शन 377 उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी. वो 2016 में रिलीज़ हुआ था और इस बार हम लोग ला रहे हैं उसका एक्सटेंशन जिसका नाम है स्टिल अबाउट सेक्शन 377. ये स्टोरी है एक गे कपल की जो विलेज में जा पहुँचते हैं उनकी उनमें से किसी एक फैमिली की एक्सेप्टेंस की तलाश में. और इस वेब सीरीज़ में पहली बार हम एक ट्रांसजेंडर का स्ट्रगल भी दर्शा रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट व्हाट ऑल दे हैव टू गो थ्रू टू बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी. तो ये बेसिक वन लाइनर है हमारे शो का और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 377 के कुछ पार्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए हैं. और ये बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग है, ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव इंडिया जहाँ पे सब किसी से भी प्यार कर सकते हैं, उन्हें किसी से घबराने या डरने की ज़रूरत. एक्चुअली सेक्शन स्टिल अबाउट सेक्शन 377 हमने जटखोर नाम के गांव में शूट किया है जो एक्चुअली गुलशन का गांव है जो हमारे वेब सीरीज़ में लीड कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं. और हमें शूटिंग के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुई बट उसको शूट लाइक टू गेट टू द स्टेज ऑफ शूटिंग वॉज अ बिग चैलेंज क्योंकि पहले तो सेक्शन 377 था और बहुत प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स घबराते थे इनसे इस काइंड ऑफ टॉपिक से जुड़ने में, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा था. पर फिर हमारे साथ बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स जुड़े जैसे कि डांसिंग शिवा फिल्म मेकर्स, आसमी एंटरटेनमेंट, SP सिनेकॉर्प, तो बहुत सारे लोग जुड़ के आए आगे और उन्होंने मिल के हमें बहुत ही इंकरेज किया ये शो बनाने के लिए. और गांव में तो हमें बहुत मज़ा आता था एक्चुअली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव था, सिर्फ थोड़े बच्चे हमें तंग करते थे उसके अलावा हाँ चिल्ला के उन लोग भाग जाते थे पर एक्चुअली अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं बहुत खुश था वहाँ पे शूट करने के लिए क्योंकि उन लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते थे. वो आके मुझे पूछते थे ये वो है ना, ये वैसे है ना, तो उनको समझाता था मैं कभी कभी जब भी मेरे पास टाइम होता था, नहीं होता था तो फिर मैं भाग जाता था वहाँ से. बट एनीवेज मैं बहुत खुश था क्योंकि थोड़े और लोगों को हमारे इमोशनल जर्नी के बारे में हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सके. मेरा तो जैसे फर्स्ट सीज़न था ऑल अबाउट सेक्शन 377 में, उसमें तो मेरी ही थिंकिंग खुद की ही चेंज हुई थी. मैं ही होमोफोबिक था तो मैं ही उनके खिलाफ था तो मेरा परसेप्शन उसमें चेंज हुआ. अब भी सेकंड सीज़न में मैं रोहित और सिड के साथ तो मैं सिड को लेने जाता हूँ रोहित के साथ गाँव में. तो कैरेक्टर को लेके बिल्कुल चेंजेस थे बहुत सारे क्योंकि पहले जो कैरेक्टर था जो मैंने सेक्शन 377 में प्ले किया था सीज़न वन में ऑल अबाउट सेक्शन 377 में, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था. बट एज एन एक्टर वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, उससे पहले मैंने कुछ काम किया नहीं था. और उसके बाद स्टिल अबाउट सेक्शन 377 में हमें बीच में एक साल मिला, बहुत टाइम मिला कैरेक्टर को समझने में जो कि हम इतने समझाया, और तो उससे बहुत ईजी हो गया था जो भी उसे प्ले करने के लिए. जब एक्चुअली स्टार्ट किया था तब तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा. हमने तो ऐसे ही बैठे बैठे एक रूम में सोच लिया था कि बना लेते हैं, तो ऐसे ही बन गया था. बट अभी लोगों की थिंकिंग तो चेंज हो रही है ऑब्वियसली. अभी रूल भी आ गया है तो सेक्शन 377 भी हट गया है, तो अभी होपफुली अभी अवेयरनेस की ही है और बस जितना अवेयरनेस हो जाए उतना अच्छा है और हमारी सीरीज के थ्रू हो रहा है. सर मुझे लगता है कि जब ये सीरीज़ बनाई थी तो उस समय मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, मतलब कि सेक्शन 377 के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. बट एज एन एक्टर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे वो करना था और मैंने किया. पर जब दूसरी बार अभी किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला. पर जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस के लिए, मुझे लगता है कि अभी लोगों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. अभी तक बहुत सारे मतलब आई वुड से कि 50% लोग ऐसे होंगे कम से कम जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हालांकि लॉ हट चुका है वो, पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उस एक्सेप्ट करना. वेल ऑब्वियसली देर इज़ अ ह्यूज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू द सोसाइटी विच दे नीड टू एड्रेस.
It's informative. I need to make sure that it's informative as well as entertaining and emotional at the same time. A lot of research went into writing the second season. It almost took me 1.5 years to write it because I was actually not aware about the struggles that the transgender community faces in India. For that, Hum Safar Trust actually helped me a lot. They gave me some presentations to go through, a lot of study material to read. And well, that was all practical, but it was also very important for me to understand the emotional graph that a transgender goes through, especially in a rural setup, in a small village. So it took me a lot of time to write this show because I didn't want to go wrong. I didn't want the audience to feel cheated, or I didn't want to break their trust that they have shown in the first season, because I wanted to give them information that is correct so that they know what is happening in society and that they can kind of be a part of the change that we all want. We want the country to accept everybody just as the way they are. Because even though Section 377 has been struck down, I feel that there is a long way for the LGBTQ community to further cross, and social acceptance happens to be the first of it. And I feel that our show is a step forward in that direction. And it is a huge responsibility because that is the way I can create value at my place of work. We all can do that in our own little ways, and this was what I could do as a writer, as a director, and probably as an actor as well. Basically, I think as I'm a foreigner, and I know this episode in September, and I feel like because I'm the country manager of Blue in India, so once I noticed this episode, and I think this is one of the most popular episode in this country, and related to the LGBTQ content. So I think Blue as one of the largest gay social app in the world, and I think it's a perfect match for both of us to collaborate together. So that's why I contact with Danshi Shiva, and so yeah, we move forward for this collaboration. Well, it's releasing as we speak now. So when you know this video is gonna come on air, probably the show would have released. So right now it's releasing on the YouTube channel Dancing Shiva, as well as the Facebook page by the same name, which is called Dancing Shiva. It's available from 3 o'clock onwards today, which is the 3rd of December 2018. Well, we also it had released. The first episode has come out on the 9th of September, and from today onwards you can watch the entire season on the Dancing Shiva channel on YouTube. Hi, this is Roy from the Digital Hash. I have a few questions for you. Yeah.